फाइनली मेरे कार का डिलीवरी है। तो गाइस फाइनली शोरूम पे पहुंच चुके हैं, ये रहा। सो हे गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है रिवील करने का कि कौन सा कार। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के दो सबसे बड़े टेक यूट्यूबर के बारे में, यानी कि मनोज देव और टेक्निकल गुरुजी के बारे में। आज हम आप लोगों का इनका फुल कार कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। और टेक्निकल गुरुजी के पास ऐसे दो सुपर कार है जिसकी प्राइस सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे। तो आइए जानते हैं टेक्निकल गुरुजी और मनोज देव के पास कौन कौन सी कार कलेक्शन है। तो सबसे पहले हम मनोज देव के कार कलेक्शन पर बात करते हैं। तो मनोज देव के कार कलेक्शन में नंबर 3 पर आती है टाटा हैरियर XZ2.0 एल कार। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 20 लाख रुपए की आती है। नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 5.5 लाख रुपए की आती है ये। अगर हम मनोज देव के नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, 2023 में 8 करोड़ से भी ज्यादा से हो चुका है। तो भाई ये जानते हैं टेक्निकल गुरु जी के पास कौन कौन सी सुपर कार्स है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकल गुरु जी के पास बहुत सारे सुपर कार्स है, तो हम कुछ ही कार्स पर बात करेंगे। नंबर 5 पर आती है मर्सिडीज G63 MAG। इस कार के 6x6 वर्जन इनकी सबसे फेवरेट कार है। जो इनके पास मॉडल वो नॉर्मल 4x4 G63 AMG, जिसकी प्राइस 2.42 करोड़ है। नंबर 4 पर आती है BMW 750 Li। ये कार इन्होंने 2019 में परचेज किया था और ये अपने मदर को गिफ्ट करने के लिए लिए थे। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 1.6 करोड़ की है। नंबर 3 पर आती है सुजुकी हायाभूसा। इन्हें बाइक का भी काफी शौक है, तो ये एक मॉडिफाई हायाभूसा ऑन करते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 15.7 लाख की है। तो नंबर 2 पर आती है रोल्स रॉयल गोस्ट। ये रोल्स रॉयल गोस्ट सीजन 2 ऑन करते हैं, तो इन्होंने 2020 में परचेज किया था। अगर हम इस कार की प्राइस की बात करें तो लगभग 5.32 करोड़ में आती है ये। अब आती है इनकी फेवरेट और लेटेस्ट कार मैकलेरन GT। ये सिर्फ इनकी नहीं मैकलेरन GT सबकी लेटेस्ट कार है। ये कार इनके ब्रदर ने 2021 में इन्हें बर्थडे गिफ्ट किया था। ये कार 4.98 करोड़ की है। नीचे कमेंट करके बताइएगा दोनों में से किसके कार कलेक्शन सबसे बेस्ट लगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।